ओम शांति। योगी वही बन सकते हैं जिन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों के सभी रसों पर विजय प्राप्त की हो, क्योंकि संसार में एक ही चीज मिलती है, चाहे संसारिक सुख चाहे परमात्म सुख। अगर परमात्म सुख चाहिए तो कर्म इंद्रियों के सुखों को त्यागना जरूरी है। जो जितना बड़ा त्यागी वो उतना ही बड़ा योगी। संसार की इच्छाएं और तृष्णाएं भी एक योगी के लिए बहुत बड़ी दीवार बन जाती हैं। लेकिन वो मनुष्य जो जीते जी मर चुका है, जो बेगर बन चुका है, जिसने ये संकल्प कर दिया है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही सहज योगी बन सकता है, श्रेष्ठ योगी बन सकता है। तो आइए हम कर्मेंद्रियों के रसों से स्वयं को मुक्त करें। कानों का रस, बहुत अच्छी अच्छी इधर उधर की व्यर्थ की निंदा की बातें सुनना, जिसमें भी एक रस है जो आत्मा को व्यर्थ की ओर ले चलता है, इसका त्याग करना होगा। देखना, दैहिक दृष्टि और व्यर्थ की चीज के सारा दिन देखना, ये आंखें सुंदरता देखने की इच्छुक रहती हैं, और ये आंखें यदि भटकती हैं तो उसका प्रभाव हमारी एकाग्रता पर पड़ता है। लेकिन जिसने ये जान लिया, ये मान लिया कि सबसे सुंदर हमारा शिव बाबा ही है, उसको देखने के बाद और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। सबसे सुंदर हमारा स्वर्ग है, उसको देख लिया, उसका ज्ञान मिल गया, इधर उधर आंखों को भटकाने की जरूरत नहीं। जीव का रस, खान पान का रस भी मनुष्य की बुद्धि को बहुत ही भटका देता है। ये खाऊं ये खाऊं, ये त्याग वृत्ति नहीं है। त्याग वृत्ति तो ये है कि भोजन केवल भूख की तृप्ति के लिए हो, बस भूख तृप्त हुई और कुछ इच्छा नहीं। ऐसे ही और भी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनके अलग अलग रस हैं, उनसे जो योगी स्वयं को मुक्त कर ले वही सच्चा योगी है। लेकिन जो मनुष्य इन कर्मेंद्रियों के रसों के पीछे बह जाए, जिसने इनका स्वाद एक बार चखने के बाद उसको न छोड़ने का संकल्प कर लिया हो, वो योगी नहीं बन सकता। तो आइए हम आज सारा दिन बाबा का पुनः ये महावाक्य याद करें। योगी तो सदा मेरे सम्मुख रहता है, जो मुझे बहुत याद करते हैं वो तो मानो मेरे सम्मुख हैं। और ये भी कि जो रोज मुझे 8 घंटा याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि वे ही संसार में सुख शांति पवित्रता शक्ति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, जिससे संसार को बदलने में सबसे बड़ी मदद मिलती है। ये तो रही बात सेवाओं की, लेकिन योग युक्त रहने में जो अतिंद्रिय सुख है वो आत्मा को तृप्त करने वाला है, वो मनुष्य के जन्म जन्म के दुखों के प्रभाव को समाप्त करने वाला है। तो याद रखेंगे, देवताओं के साथ भी हम 2 युग तक रहे, मनुष्यों के साथ भी 2 युग तक रहकर हमने देख लिया, अब हम भगवान के साथ रहें। तो आइए आज सारा दिन परमात्म शीतल छाया का रस ग्रहण करें, हर घंटे में 1 बार। सूक्ष्म लोक में चलेंगे, बाप दादा को अच्छी तरह निहारेंगे, बिल्कुल क्लियर विजन हो फिर उनकी दृष्टि लेंगे और फिर संकल्प करेंगे, बाबा मेरा खुदा दोस्त है। कभी संकल्प करेंगे वो मेरा
प्रियतम है, कभी वो मेरी माँ है, कभी वो मेरा बच्चा है, और इस तरह हर घंटे में एक संबंध को सूक्ष्म लोक में जाके अनुभव करेंगे, बाबा से गले मिलेंगे, उनके साथ रास करेंगे और मन की मीठी मीठी रूहान करेंगे। इस तरह आज सभी रसों से ऊपर ईश्वरीय रस का स्वाद लेते रहेंगे। ओम शांति।